हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। टैली प्राइम में एक शॉर्टकट की है जो बड़े काम की है। आपके बहुत सारे शॉर्टकट्स के बजाय सिर्फ एक शॉर्टकट और आपका काम हो जाएगा आसान। तो चलिए ये समझते हैं वो शॉर्टकट है क्या। यहां पर मैं मौजूद हूं। अगर मुझे नई कंपनी बनानी है तो हमें क्रिएट पे जाना पड़ेगा, कंपनी क्रिएट क्रिएशन वाले विंडो पे जाना पड़ेगा। तो यहां पर अगर आप आते हैं तो यहां पर क्रिएट पे जैसे आएंगे तो आपको ये सारी चीजें शो होंगी, लेकिन यहां पर अभी आपको कंपनी क्रिएशन की विंडो नहीं नजर आ रही है। यहां पर आपको नहीं लग रहा है कि कहां से हम कंपनी क्रिएट करें, बाकी सारी चीजें तो दिख रही हैं। तो आपको कंपनी क्रिएट करना है तो F3 बटन प्रेस करना पड़ेगा। तो F3 प्रेस करेंगे तो यहां क्रिएट कंपनी वाली विंडो ओपन हो जाएगी। तो कंपनी क्रिएशन ही दिख रहा है, अल्टर कंपनी दिख रहा है, सेलेक्ट कंपनी दिख रहा है, ये कंपनी की डिटेल दिख रही है। ठीक है, अगर आप यहां पर अल्टर पे आते हैं तो यहां पर आप इन सारी चीजों को अल्टर कर सकते हैं, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग शॉर्टकट की बनी हुई है। एक शॉर्टकट की मैं बताता हूं आपको जो आपका काम बहुत ही ज्यादा आसान कर देने वाला है टैली में। तो उस शॉर्टकट की के लिए आपको प्रेस करना है अल्ट प्लस जी। क्या प्रेस करना है? अल्ट प्लस जी। और जैसे ही अल्ट प्लस जी प्रेस करेंगे तो यहां पे क्रिएट वाउचर, क्रिएट मास्टर, अल्टर मास्टर और तमाम चीजें आपको नजर आएंगी। ठीक है, और यहां पर आते हैं क्रिएट मास्टर पे। जैसे ही क्रिएट मास्टर पे आएंगे तो यहां पे चेंज कंपनी दिया हुआ है, कंपनी को चेंज करना है तो यहां से चेंज कर सकते हैं। यूनिट, स्टॉक आइटम, कुछ भी बनाना है तो यहां से बना सकते हैं। यहां पे शो मोर का ऑप्शन है और जैसे ही शो मोर करते हैं तो और भी चीजें आपको शो हो जाएंगी। अगर आप जीएसटी का क्लासिफिकेशन देखना चाहते हैं, ग्रुप बनाना चाहते हैं तो यहीं से बना सकते हैं। ठीक है, कंपनी को चेंज करना चाहते हैं तो यहां से चेंज कर सकते हैं। नई कंपनी बनानी हो यहां से बना लीजिए। फिलहाल बाहर आते हैं यहां से। ठीक है, तो आपको ये शॉर्टकट की किस तरह से लिखनी है, अल्ट के साथ जी प्रेस करना है और ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। अगर आपको बैलेंस शीट पे जाना है तो यहां से जा सकते हैं, एंटर प्रेस करेंगे तो आप बैलेंस शीट पे जा सकते हैं। ठीक है, बनाने हैं ये देखिए बैलेंस शीट खुल गया। अगर आपको लेजर्स बनाने हैं तो वापिस से वही शॉर्टकट की अल्ट प्लस जी प्रेस कीजिए और अब यहां से आप लेजर्स भी बना सकते हैं। ठीक है, लेजर्स कैसे बनाएंगे? यहाँ पे लेजर वाउचर दिया हुआ है, यहां से जाकर के आप लेजर बना लीजिए। ठीक है, क्रिएट दिया हुआ है ऊपर। तो अगर सपोज कीजिए अगर आपको क्रेडिटर पार्टी का लेजर बनाना है तो यहाँ पे क्रिएट पे जाइए, एंटर प्रेस कीजिए। लाइक यहाँ पे करता हूं मैं, ये मान लीजिए हमारी क्रेडिटर पार्टी है। ठीक है, या डेटर पार्टी है तो डेटर पार्टी कर देते इस बार। तो यहाँ पे सन्ड्री डेटर एस प्रेस करेंगे सन्ड्री डेटर के लिए और यहीं से हम लेजर भी बना पाएंगे। ये देखिए ये कर दिया हमने और एंटर प्रेस करते हुए इसे एक्सेप्ट करा लेते हैं इस तरीके से। तो ये ईशा और उषा नाम से एक हमारे पास लेजर भी क्रिएट हो जाएगा। कहां क्रिएट हुआ है दिखा देता हूं। ये देखिए नीचे यहां पे देख सकते हैं ईशा एंड उषा के नाम से ये लेजर क्रिएट हो गया है। तो आपको जो भी करना है बहुत ही आसानी के साथ, खाली अल्ट के साथ जी प्रेस कीजिए और इसमें सारी चीजें आपको दिख जाएंगी। अगर आप तो यहां पे आना है आपको। ठीक है, ये देखिए अल्टर मास्टर जो दिया हुआ है ऊपर, ये देखिए रिपोर्ट अगर देखनी है जीएसटी की तो यहां से देख सकते हैं। ठीक है, जीएसटी आर वन में क्या है, जीएसटी आर टू में क्या है, ये सारी चीजें यहां से देख सकते हैं एंटर प्रेस करके। ठीक है, अब देखिए ये जीएसटी आर वन की डिटेल है। अब यहां से आप जीएसटी आर वन आर टू कुछ भी देख सकते हैं। फिर यहां अल्ट साथ जी प्रेस करता हूं। अब मान लीजिए कि आपको इनेबल करना है जीएसटी, तो कैसे इनेबल करेंगे? तो यहां अल्टर मास्टर में आ जाइए सीधे सीधे और यहां से आपको आना है कहां पे, ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा, यहां पे देख सकते हैं जीएसटी क्लासिफिकेशन जीएसटी डिटेल दिया हुआ है और यहां दिया हुआ है नीचे जीएसटी रेट सेटअप। तो ये जीएसटी रेट सेटअप पे आ जाइए और डबल क्लिक कर दीजिए और जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी और यहां से आप जीएसटी रेट देख सकते हैं कि कितना कितना जीएसटी रेट आपने लगाया है। तो ये परसेंट वाइज सब कुछ दिखा रहा है, ये देख सकते हैं। ठीक है, जो एग और चिकन वाला इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसके लिए ये है। ठीक है, ये वही वाला है। तो ये सारा रेट सेटअप आप देख सकते हैं, यहां से सारा कुछ आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको जीएसटी रेट सेट भी करना है तो वो भी कर सकते हैं आप। यहां से जीएसटी क्लासिफिकेशन में आ जाइए और एंटर प्रेस करके यहां से सारा जो इनेबल करने वाला था, रेट सेट करने वाला, वो सारी चीजें यहां से भी आप कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।